Okay, so on page number 185, we have a poem here. That is, or that's the last page of this book, and this is the last chapter as well. The blind man and the elephant. Blind man, andhe log ya andhe aadmi, and the elephant or hathi. The blind man and the elephant, andhe log, andhe aadmi or hathi. So, ye kafi ek mashhoor ek jo hai wo nazm hai. That is a very famous poem. जो एक काफ़ी ज़्यादा एक आपको मैसेज एक डिलीवर करता है, जिसको एट द एंड में आपको बताऊँगा क्या मैसेज है. और ये स्टोरी आपने इससे पहले सुनी होगी, ठीक है, तो कोई नई न्यू चीज़ नहीं है. तो पढ़ूंगा जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस इसके बारे में है. द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. जे जी सेज नाम से जो है वो द पोएट है, जे जी सेज जिन्होंने इसको लिखा. तो नाम याद रखे पोएट का. नाउ फर्स्ट स्टैंजा. इट वॉज सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान टू लर्निंग मच इंक्लाइंट who went to see the elephant, through all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. छह आदमी हिंदुस्तान के. अच्छा, हिंदुस्तान लिखा हुआ है. इधर भेजिए. कौन है? ओके, सो इट वॉज सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान, दैट इज हिंदुस्तान है ये. हिंदुस्तान के छह मर्द थे या छह लोग थे, छह आदमी थे. हिंदुस्तान लिखा हुआ, ये हिंदुस्तान है असल में. छह आदमी थे हिंदुस्तान के. टू लर्निंग मच इंक्लाइंट, जिनकी जान, जिनकी समझ बूझ बहुत कम थी. इंक्लाइंट मतलब बहुत थोड़ी थी, बहुत कम वो चीज़ों के बारे में जानते थे. हु वेंट टू सी द एलिफेंट, जो देखने गए एक हाथी को. तो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, और वो सब के सब अंधे थे, और वो एक एलिफेंट और एक हाथी को देखने गए. That each by observation might satisfy his mind. ताकि हर कोई बस ऑब्जर्व करके, मुशाहिदा करके अपने जहन को सेटिस्फाई कर दे, मुतमईन कर दे कि हाथी कैसा दिखता है, कैसा लगता है. तो ये इस तरह से जो है पिक्चर भी है उसमें ना, तो बैक पेज 184 पर, जिस पर वो एक ये दिखा रहे हैं इसमें डिफरेंट ब्लाइंड लोग हैं जो मतलब वो उसको ऑब्जर्व कर सकें, मुशाहिदा कर सकें, छू कर, ठीक है. The first approached the elephant and happening to fall against the bruised and sturdy side, at once began to bawl, God bless me, but the elephant is very like a wall. सबसे पहला शख्स जो हाथी तक पहुंचा, and happening to fall against the bruised and sturdy side, और वो उस जगह पर गया जो हाथी की सबसे ब्रोड, सबसे चौड़ी और सबसे स्टर्डी, सबसे सख्त जगह थी. एट वंस बिगेन टू बॉल, और अचानक से वो चिल्लाया. बॉल मतलब चिल्लाया, अचानक से वो चिल्लाया, गॉड ब्लेस मी, बट द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ बॉल, के जो हाथी है ये वेरी लाइक द वॉल, के वो बिल्कुल एक वॉल की तरह है, बिल्कुल एक दीवार की तरह है. मतलब पहला शख्स जो है वो उसकी जो है वो पेट पर उसने हाथ लगाया, जो मेन उसका स्टडी पोर्शन होता है, और उस पर हाथ लगा के उसने कहा कि भाई ये तो जो एलिफेंट है वो एक वॉल, एक दीवार की तरह दिखता है, मतलब दीवार जैसा है. हर बंदे अपने अपने मतलब बताएगा, छह लोग हैं टोटल अलग अलग. द सेकेंड फीलिंग ऑफ द टस्क, दूसरे ने छुआ उसके टस्क को. टस्क से मुराद यहाँ पर हाथी के दांत जो होते हैं, हाथी के दांत को टस्क कहा जाता है. उसने हाथी के दांत को छुआ. क्राइड, चिल्लाया, हो What have we here? Oh, यहाँ क्या है? So very round and smooth and sharp. जो गोल है, स्मूथ, हमवार है, एंड शार्प और तेज है. To me it is mighty clear. मेरे लिए ये बिल्कुल क्लियर है. This wonder of an elephant is very like a spear. कि ये जो हाथी है वो स्पेयर की तरह, नेजे की तरह, तलवार की तरह दिखता है. उसके टीथ को उसने छुआ तो वो जाहिर सी बात है शार्प जैसा था. तो उसने कहा कि ये जो हाथी है वो असल में इसकी तरह है कि भाई वो एक तलवार की तरह, स्पेयर की तरह है, भाले की तरह, नेजे की तरह है. द थर्ड अप्रोच द एनिमल एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विर्मिंग ट्रंक विथ हिज हैंड्स. तीसरा पहुंचा एनिमल तक, उस जानवर तक, और उसने अपने हाथ में उसके पकड़ा द स्क्विर्मिंग ट्रंक, मतलब उसकी सूंड को. सूंड जो हाथी की होती है, सूंड को उसने पकड़ा. दस बोल्डी अप एंड स्पेक, उसने बहादुरी से कहा. स्पीक के सेकंड फॉर्म स्पेक यहाँ यूज की गई ओल्ड इंग्लिश में. आई सी, मैंने देखा, को थी, उसने कहा, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक. उसको जो सूंड को उसने जो पकड़ा, ठीक है, लाइक उसकी ट्रंप को,
तो उसको देखकर, ट्रंक को देखकर उसको लगा कि भाई जो हाथी है, जो एलिफेंट है, वो वेरी लाइक अ स्नेक, वो बिल्कुल स्नेक की तरह, सांप के जैसा है। द फोर्थ रीच्ड आउट हिज ईगर हैंड एंड फेल्ट अबाउट द नी। चौथा शख्स, उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने महसूस किया नी को, नी से मुराद घुटने को, घुटने को महसूस किया। व्हाट मोस्ट दिस वंडरस बीस्ट इज लाइक इज माइटी प्लेन कूथी, इट इज क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री। मतलब वो शख्स कहता है कि वंडरियस बीस्ट, वंडरियस मतलब हैरत अंगेज बीस्ट, दरिंदा या वहशी या जानवर, कि ये जो हैरत अंगेज जानवर है इज माइटी प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन है। कूथी, उसने कहा टिस क्लियर इनफ, टिस क्लियर मतलब इट इज क्लियर इनफ, ये काफ़ी बिल्कुल वाजा हो गया, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री, कि दरख्त, ये जो हाथी है ये बिल्कुल एक दरख्त के जैसा है, ट्री के जैसा है, क्योंकि उसने उसके नी को छुआ तो उसको यही लगा। द फिफ्थ हु चांस टू टच द एयर, पांचवा शख्स जिसने उसके कान को छुआ, कहा उसने इवन द ब्लाइंडेस्ट मैन कैन टेल व्हाट दिस रिजेंबल्स मोस्ट, अंधा तरीन इंसान भी बता सकता है कि ये उसकी मुशाबिहत कैसी है, ये कैसा दिखता है। डिनाई द फैक्ट हु कैन, फैक्ट मतलब हकीकत, इस हकीकत से इंकार कर दो अगर तुम कर सकते हो। दिस मार्वेल ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक अ फैन, कि ये जो मार्वेल, ये जो अजूबा है ये हाथी का, ये बिल्कुल दिखता है एक फैन की तरह, पंखे की तरह, उसके कान फैन की तरह दिखते हैं, मतलब हाथ जलने वाला पंखा जो होता है, तो उसको लगा कि भाई तो फैन की तरह है बिल्कुल ये। द सिक्स नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट टू ग्रो, छठा शख्स ने भी उस बीस्ट, उस जानवर को जाकर उसको पकड़ा, देन सीजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, और उसने उसकी जो लटकती हुई दुम है उसको उसने थामा, दैट फेल विद इन हिज स्कोप, और अपने स्कोप, अपने नज़रिए से आई सी, उसने कहा द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ रोप, कि जो हाथी है ये रस्सी की तरह है, रोप की तरह है। तो ये छः लोग हैं अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए, ज़रा मैसेज समझना ज़रा उसका, अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ जो है उसको, उसके बॉडी पार्ट को जो है वो उसको देख कर कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करके, तो कहते हैं सारे कि ये इसकी तरह है, कोई कह रहा है कि भाई जो है वो ट्री की तरह लग रहा है, कोई कह रहा है स्नेक की तरह लग रहा है, कोई कह रहा है दीवार की तरह है, कोई कह रहा है नेजे की तरह है, कोई कह रहा है पंखे की तरह है, कोई कह रहा है रस्सी की तरह है। हर बंदे ने अलग अलग, छः बंदों ने बात की। अब लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, एंड सो दिस मैन ऑफ इंडोस्टैन डिस्प्यूटेड लॉन्ग लाउड एंड लॉन्ग, इस तरह ये हिंदुस्तान के लोग, इस तरह से हिंदुस्तान के लोग डिस्प्यूटेड, उन्होंने तनाज़ा किया, झगड़ा किया, लाउड एंड लॉन्ग, चिल्ला चिल्ला कर लंबे अरसे तक, ईच इन हिज ओन ओपिनियन एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, इनमें से हर एक अपने राय पर एक्सीडिंग स्टिफ साबित कदम था एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर था, सब साबित कदम थे, झगड़ा कर रहे थे कि भी मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने जो देखा वो सही है। थ्रो ईच वॉज पार्टली इन द राइट एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, अगरचे हर कोई पार्टली इन द राइट, थोड़ा थोड़ा तो सही था, हर शख्स ने थोड़ी थोड़ी तो सही बात की, एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, और जो सारे लोग थे असल में वो सब गलत ही कह रहे थे, मतलब सारे के सारे लोग आपस में गलत थे और थोड़ा थोड़ा सब ने जो है वो सही बात कही थी। ये अभी मैसेज क्या इससे आपको मिलता है, इसके अंदर से उसको समझने की चीज़ है ना, बीइंग अ पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स अपने लिहाज से उसने जो ऑब्जर्व किया उसने वो बताया, और हर वक्त की हर शख्स ने जो ऑब्जर्व किया उसके लिहाज से उसकी बात ठीक थी, लेकिन ओवरऑल जो बात थी वो गलत थी सबकी, कि हाथी जैसा वो कह रहे थे वैसा दिखता नहीं था। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ ओपिनियन में होता है, ठीक है, और हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है और वो सही कह रहा होता, उसका नज़रिया कि वो किस तरफ से उसको देख रहा है, किस तरफ से उसको देख रहा है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर मार्कर उठाकर यहाँ पर अगर मैं एक सिक्स लिख देता हूँ इधर पर, अगर मैं इस मार्कर से यहाँ पर सिक्स लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये सिक्स दिख रहा है, और आप लोग वहाँ से देख रहे हो तो आपको ये नाइन दिख रहा है। अब मैं भी ठीक कह रहा हूँ और तुम भी ठीक कह रहे हो, हम दोनों ने जिस जगह से उसको ऑब्जर्व किया ना उसके लिहाज से ये सिक्स भी है, उसके लिहाज से ये नाइन भी है। मैं जो यहाँ पे होंगे उनको लिहाज से सिक्स लग रहा होगा और वहाँ से लोगे तुमको नाइन लग रहा होगा। अब हम इसमें बहस करना शुरू कर देनी है, मैं बोलो नहीं ये सिक्स ही है और तुम बोलो नहीं सर ये नाइन ही है, ये बहस करने की चीज़ ही नहीं है, ये दोनों चीज़ हैं, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, इंसान ऑब्जर्व किस चीज़ को कहाँ से कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक वक्त में दो लोग ठीक हों, वो डिपेंड करता है उन्होंने कहाँ से उस चीज़ को लिया है, कहाँ से इस चीज़ को पढ़ा है, डिपेंड करता है। एक वक्त में दो लोग सही हो, ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है, उसमें फड्डा, लड़ाई, आर्गुमेंट करना
ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है कि हर बंदा अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से, अपने ओपिनियन के लिहाज से बात करता है। हो सकता है एक शख्स इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो उसने एक ऑब्जर्व उसको एक अलग अंदाज से किया पीटीआई को, और एक नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे पीएमएलएन को तो उसने उसको अलग अंदाज से ऑब्जर्व किया। भाई दोनों सही हो सकते हैं एक वक्त में, ऐसा नहीं हो सकता ना पीटीआई को सपोर्ट करने वाला बिल्कुल गलत है या पीएमएलएन को सपोर्ट करना बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। कुछ अच्छाई वहाँ पर है तो कुछ बुराई वहाँ पर भी मिलेगी आपको, सिंपल सी बात है ना भाई। एक ऑब्जर्वेशन की बात अलग है ना भाई, डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई इंसान जो है वो 12 रबी अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहा है, कुछ लोग मना रहे, और एक इंसान ऐसा भी जो नहीं मना रहा। अब जो मनाने वाला है वो बोले मैं ठीक कर रहा हूँ, और जो नहीं मना रहा वो गलत कर रहा है, इब्लीस हो गया भाई वो, क्यों नहीं मना रहा वो, उसको क्या खुशी नहीं हो रही नबी की आमद पर। और एक ऐसा भी बंदा है जो बोले अरे बिद्दत करो यार तुम तो, कहाँ नबी ने नहीं मनाया तुमको मना रहे हो। दोनों सही है अपनी जगह पर, दे बोथ आर रॉन्ग। उन्होंने पर्सपेक्टिव अलग लिया है, दोनों उनके मुताले का तरीका अलग है, दोनों ने अलग किताबें पढ़ी, अलग उलमा के पास बैठे तो अलग ऑब्जर्वेशन आई। ये नहीं कह सकते जो मना रहा है वो सही है, जो नहीं मना रहा वो गलत, ऐसा नहीं। क्यों? एक वक्त में दो लोग सही हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। ये होनी चाहिए, ये पाकिस्तानियों को उसकी सख्त ज़रूरत है। बनस्बत इसके कि हम लड़ने मरने के लिए बैठ जाए एक बात पर, नहीं मैं ही ठीक हूँ चूँकि ये मेरा फ़िरका है, चूँकि ये मेरी ज़बान है, चूँकि ये मेरी कौमियत है, इसलिए हम ही सही हैं, और चूँकि तुम कुछ और हो तुम अलग हो, तुम गलत हो गए, इसलिए इंसान गलत नहीं होता है। भाई आप अगर घर में पैदा हुए तो इसमें ही तो आपको इत्तेफाक था ना कि उस घर में आपको एक सोच मिली, एक मज़हब मिला, एक फ़िरका मिला, कुछ भी मिला। अब ये तो नहीं ना कि इसकी वजह से वो सही हो गया। हाँ एक अलग बात है, आप किताबें वगैरह पढ़कर आप उस चीज़ को करते हो, रिलीज़ करते हो कि आप ये ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है। दूसरा बंदा भी सही हो सकता है एक वक्त में, मल्टीपल लोग सही हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बस हम जन्नत में जाएंगे, सब दोजख में जाएंगे, ऐसा नहीं है। यही एक मैसेज इसमें बताने की कोशिश की गई है कि पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ओपिनियन के लिहाज से लोग डिफरेंट हो सकते हैं। हर कोई बात उसमें ठीक ही कर रहा था हाथी को देख कर, लेकिन ओवरऑल सब गलत थे देखा जाए तो, लेकिन अपने लिहाज से सारी बातें ठीक कर रहे थे, बात समझ आ रही है। और ओवरऑल इनमें से कुछ भी नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग 10 तरह के लोग हों, 10 तरह की अलग अलग बातें कर रहे हों, और क्या पता वो 10 के 10 की बात गलत हो। तो अपने लिहाज से तो वो ठीक है, लेकिन क्या पता ओवरऑल जो वो बात कर रहे हैं वो गलत हो, अपने लिहाज से वो ठीक कर रहे हैं, समझ के जो ऑब्जर्व वो कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। मिसाल क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन के अंदर भी फिरके बने हुए, डोमिनेशन है क्रिश्चियन में, एक क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक, एक क्रिश्चियन है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, एक प्रोटेस्टेंट है। क्रिश्चियंस के अंदर भी अलग अलग फिरके हैं, और हर कोई अपने आप को सही बोलता है क्रिश्चियंस के अंदर, लेकिन ओवरऑल वो पूरे गलत है। बस समझ आ रही है।